हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी कैसे लो एंड डिवाइस में पबजी HD और HDR में खेल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास रेडमी नोट है, इसमें स्मूथ और बैलेंस में पबजी खेल सकते हैं, आप HD और HDR में नहीं खेल सकते। चलिए मैं आज आपको बताते हैं आप कैसे अपने इसी फ़ोन में HD और HDR में पबजी कैसे खेल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना और बेल आइकन को दबा लीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको करना है आपका प्ले स्टोर ओपन। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐप सर्च करनी है। ऐप का नाम है GPT GFX टूल। ये बहुत सारे आपने GFX टूल देखे होंगे, लेकिन ये वाला आपको बेस्ट GFX टूल में काफ़ी आपको ये भी डाउट होगा, बैन हो जाती है पबजी या ये हो जाता है, इससे कोई बैन नहीं होगी। आप जब आप ये ऐप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेड ऐप है, जिसका लेटेस्ट प्राइस लास्ट प्राइस इन्होंने बोला था 190, लेकिन आपको 65 रुपीज़ में ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। लेकिन आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली से आपको UC ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है PGTP GFX मोड APK। आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको जो सामने वेबसाइट्स आएंगी, पहली वेबसाइट छोड़कर जो दूसरी वेबसाइट है हैप्पी मोड की, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2.6 MB की ये जो ऐप है वो देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसको देखेंगी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो होम स्क्रीन है वहाँ पर कुछ ऐसा आपको लोगो जो है वो देखने के लिए मिलेगा। PGT+ नाम की ऐप आपको आपकी होम स्क्रीन में मिल जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा, काफ़ी ये बढ़िया सा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है इस ऐप का। जब आप फर्स्ट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसमें क्या है, इसमें आपको जो है फ़ोन की जो डिवाइस है जो पहले ही बताई गई, जैसे सैमसंग, शोमी का नोट 8 प्रो है, यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग्स आपके लिए बेस्ट होगी वो खुद ब खुद कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी सेटिंग्स जो है खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैनुअल सेटिंग करनी है। दूसरा जो ऑप्शन है उस पर आपको कुछ नहीं करना, जो पहला सिलेक्टेड है वही रहने देना है, 0.18.0x वही आपको रहने देना है। जब बेसिक ग्राफिक्स में जाएंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें आपको जाकर स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है आपकी वही रहने देनी है, क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर आप आएंगे तो आपके जो आइकन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। आपको जो HD है, अगर आपकी HD है HD रहने दीजिए, Full HD है Full HD रहने दीजिए। उसके बाद ग्राफिक्स, यहाँ पर आप देखिए अगर आप अपनी गेम को HD HDR जिसमें भी खेलना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। हम HDR आपको दिखाएंगे कर HDR में कर हम अपने फ्रेम रेट्स को हम जो सिलेक्ट करें आप किसी पर भी कर सकते हैं। वैसे 60 FPS पर बढ़िया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर 120 पर ही कर दिखाएंगे। 120 FPS पर हमने कर दिया। उसके बाद जो शेडो का ऑप्शन है, यहाँ पर शेडो का ऑप्शन, अगर आपको शेडोज देखना गेम के साथ पसंद है तो आपको इसको ऑन कर सकते हैं, वैसे ऑफ ही रहने दीजिए तो बढ़िया है। MSA इसको आपको ऑफ करना है। इसके बाद जो नंबर 4 की सेटिंग है उसको ओपन कीजिए। कलर फॉर्मेट आपको डिफॉल्ट में ही रखना है। उसके बाद ग्राफिक रेंडरिंग लेवल इसको मीडियम रखिए। ऑब्जेक्ट लोड डिस्टेंस उसको भी मीडियम रखिए, और मटीरियल लोड डिस्टेंस उसको भी आपको मीडियम पर ही रखना है। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो डिटेल मोड है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइट इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इसको भी आपकी मर्जी है अगर आपको लाइट इफेक्ट्स को ऑन करना है, लेकिन मेरे रेकमेंड है आप इसको भी ऑफ ही रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग्स है एडवांस ग्राफिक की, उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा मेमोरी बूस्टर, इसको आपको ऑन रखना है मेमोरी बूस्टर को। उसके बाद जीरो लैग मोड डिसेबल, इसको अगर आप इनेबल करेंगे ये क्या है, ये ऐप अपने आप से सेटिंग कर लेगा। आप देखिए ये जो लिखा आ रहा है आप के सामने, ये जो ऐप है वो खुद ब खुद इसकी फ़ोन की जो सेटिंग्स जो प्रेफर है इस ऐप के थ्रू वही कर लेगा। इसको आप डिसेबल रखिए क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेटिंग्स को करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा GPU की सेटिंग, उसमें आपको पोटैटो ग्राफिक है उसको ऑन रखना है। सेफ सेंसिटिविटी सेटिंग उसको भी आपको इनेबल ही रखना है, इन दोनों चीज़ों को इनेबल ही रखें। उसके बाद अगर जो नेक्स्ट सेटिंग्स की बात करें, उसके नेक्स्ट सेटिंग्स में हमें जाना है, वो है एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक्स। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड के बारे में, अगर आपको अल्ट्रा करना है, हाई करना है, जो भी करना है, अल्ट्रा करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पबजी में भी पहले डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको इसको भी हाई पर ही रखना है। हाई पर रखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई और रन गेम पर जो है क्लिक करना है। अप्लाई करेंगे और रन गेम पर क्लिक करेंगे, रन गेम पर क्लिक, जैसे आप रन गेम पर क्लिक करेंगे आपकी गेम जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी।
थोड़ी सी लोडिंग लेगी, जैसे कि आपकी नॉर्मल लोडिंग लेती है और गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अब अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाकर आपको ग्राफिक्स चेक कराते हैं। फिर से आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पहले HDR पर नहीं जाती थी, अब हमारी जो ग्राफिक्स है वो HDR और एक्सट्रीम पर है। आप देख सकते हैं ये HDR और एक्सट्रीम पर हमारी जो पबजी है इस समय चल रही है। जैसे कि आपने शुरू में देखा था हमारी बैलेंस से आगे जो पबजी नहीं जा रही थी, रेडमी नोट 8 में हमने ये टेस्ट किया है। आप किसी भी फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर आप इस ऐप को बड़े ही आसानी से अपने किसी भी फ़ोन में, लो एंड डिवाइस में, जैसे कि आपका प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया नहीं है उसमें आपको थोड़ी सी HD में गेम चलानी है तो आप इस ऐप से चला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।